हाय फ्रेंड्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे। और हम लोग क्रम में जो अमूमन एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप कर रहे थे, ठीक है, एमसीक्यू कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका जो सवाल है आपका, ठीक है। तो आज हम का जो नेक्स्ट यूनिट होगा वो होगा साइट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, का सिंधी का नेक्स्ट यूनिट होगा वो होगा साइट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फिर और एक क्वेश्चन जितना हमने क्वेश्चन किया है वो आपको उतना ही तय करना है, जिससे और रिस्पॉन्स दे करना है, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम आपको पता ही है, सिंधी। ठीक है, निश्चय सब्जेक्ट में जो आपका नेक्स्ट यूनिट होने वाला है, जिसको मैं एमसीक्यू करने वाला हूँ, आपका है साइट ऑर्गेनाइजेशन, साइट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, साइट ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपका क्वेश्चन चैप्टर है, ठीक है, इसमें स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन है द जॉब लेआउट फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, लेआउट फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट project will depend upon the following factor, will depend upon the will depend upon the following factor, ठीक है, ठीक है, clear है। इसका जो ऑप्शन है ना दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग जो जॉब लेआउट फॉर एनी प्रोजेक्ट विल डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है, जो जॉब लेआउट किसी प्रोजेक्ट के लिए किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है उसको एक पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आपको ऑलरेडी देख लेता है तो उसको अब ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए है नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, नेचर प्रोजेक्ट, बी आपका लोकेशन, सी आपका है availability of labor, availability labor, और सबसे डी होता है आपका all of the labor, all of the तीन तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। मैं आपको बता दूँ नेचर आपके प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करेगा, लोकेशन पे भी डिपेंड करेगा और आपके लेवल को उपलब्धता पर भी, ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों केस आपके फॉलो होंगे, इस वजह से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, आपका नंबर डी हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है, क्लियर है। चलिए चलिए
बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं पर लिख दे रहा हूँ, बस मैं आप ऑप्शन दे रहा हूँ, उसके बाद आप पूछना है करेक्ट बताना कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर द एम ऑफ अर्गेनाइजिंग द एम ऑफ अर्गेनाइजिंग लेबर एट द साइट साइट इज टू अचीव इज टू मोबाइल फोन नहीं कर पा रहे हो, वीडियो बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस केस में आपके दिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मैक्सिमम आउटपुट क्वालिटी एफिशिएंसी अडैप्टर रोल। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है मैक्सिमम आउटपुट आउटपुट भी आपका है क्वालिटी क्वालिटी सी आपका है ऑप्शन में एफिशिएंसी एफिशिएंसी और भी आपका है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इस को देखो क्वेश्चन के हिसाब से लग रहा है द एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेबर्स एट द साइट इज टू अचीव। ऑब्वियस सी बात है, अचीव करने के लिए आपको मैक्सिमम आउटपुट भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, एफिशिएंसी के साथ, यानी कि यहाँ पे जो प्रेफरेंस होगा यहाँ भी तीनों कंसिडर किया जाएगा, मैक्सिमम आउटपुट, क्वालिटी और एफिशिएंसी। ठीक है, ठीक सी एन सी, तो इस केस में यहाँ भी आपका जो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द वो हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द वो हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉब लेआउट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बोला जा रहा है जॉब लेआउट इज प्रिपेयर्ड बाई, जो जॉब लेआउट है किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है, जॉब लेआउट जॉब लेआउट इज प्रिपेयर्ड बाई इज prepared by ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से देखिएगा ऑप्शन ए दिया हुआ है साइट इंजीनियर, साइट इंजीनियर ऑप्शन बी दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर, ऑप्शन सी दिया हुआ है लेबर, ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन सोच के बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। जॉब लेआउट इज प्रिपेयर्ड बाई साइट इंजीनियर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कंस्ट्रक्टर, तीसरा ऑप्शन लेबर, इसमें से कोई
बताइए फटाक से, मैं आपको बता दूँ। जो आपका जाप लेआउट होता है, ठीक है, जो आपका जाप लेआउट होता है वो तो प्रिपेयर किया जाता है आपके साइट इंजीनियर के द्वारा, आपके साइट इंजीनियर के द्वारा क्या होता है प्रिपेयर किया जाता है। तो ऑप्शन में अगर साइट इंजीनियर दिखाई दे रहा है तो आप करके आगे बढ़ जाए, ठीक है, क्लियर। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में आपका होगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि सीएमईडी में फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, सेंस से क्वेश्चन बन सकता है, डेट पूछ सकता है आपको कि फर्स्ट टाइम कौन सा पास हुआ था, ठीक है। जैसे भारतीय कथन अधिनियम 1948 में पास हुआ था, ये पूछ सकता है आपसे कि भारतीय कथन अधिनियम कब पास हुआ था, आप ऑप्शन दे सकता है उसमें 1948, 1946, 1950, 1968। तो आपको याद होना चाहिए कि 1948 में भारतीय कथन, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर उसी बेस पे कुछ कंस्ट्रक्शन लेबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके एक्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है, और कुछ ट्रेड यूनियन के नाम भी हैं इसमें पूछा हुआ है। इस यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ बन रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट बन रहा है, ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। जो आपका पेमेंट ऑफ फिसेस एक्ट, पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, इन विच ईयर पेमेंट ऑफ फेजेस एक्ट पास फर्स्ट टाइम, ठीक है, किस साल जो है पेमेंट ऑफ इस एक्ट पास किया गया, वो भी फर्स्ट टाइम पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि बोला है फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम कब जो है पास किया गया, ठीक है, पेमेंट ऑफ फिसेस एक्ट। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपके, ऑप्शन ये दिया है 1936, ऑप्शन बी दिया है 1942, ऑप्शन सी दिया है 1938, ऑप्शन डी दिया है 1990। इस बिहार पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पेमेंट ऑफ फिसेस एक्ट जो होता है फर्स्ट टाइम जो पास हुआ था आपका 1936 में हुआ था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 1936, क्लियर है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है एक और है, जो मिनिमम बेसिस एक्ट पास को पास को लेकर के कहा जा रहा है, ये कब फर्स्ट टाइम जो है पास हुआ था मिनिमम बेसिस एक्ट। ये तो आपका था कि पेमेंट ऑफ बेसिस एक्ट अब बात कर रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा अंतर होगा।
तो कन्फ्यूजन हो सकता है सन में, ठीक है। इस वजह से आपको पॉइंट को कंसिडर करना है, जो पॉइंट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, देन उसके बाद से आपको ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, इन विच ईयर दिस एक्ट, यहाँ पे वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है जो मिनिमम, ठीक है, मिनिमम बेसिस एक्ट एक्ट फॉर फर्स्ट टाइम पास्ड फर्स्ट टाइम, ठीक है। इन विच ईयर मिनिमम बेसिस एक्ट पास फर्स्ट टाइम, किस साल जो है आपका मिनिमम बेसिस एक्ट पास किया गया, वो भी फर्स्ट टाइम, ठीक है, वे फर्स्ट टाइम। ऑप्शन है ए 1942, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1956 और ऑप्शन डी है 99, ठीक है, 99 या 99। चलिए बताइए इन विच ईयर मिनिमम इज सेट बाय फर्स्ट टाइम, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 1948 हो जाएगा, 1948 आपका जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनके साथ इन विच ईयर मिनिमम बेसिस एक्ट की जब बात करेगा, ठीक है, मिनिमम बेसिस एक्ट की पास करेगा, फर्स्ट टाइम कब पास हुआ था, तो 1948 में जो होगा इसका रिजल्ट जाएगा, ठीक है। ये इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इन विच ईयर ट्रेड यूनियन एक्ट पास फर्स्ट टाइम। मैंने आपको बताया था कि ट्रेड यूनियन क्या होता है, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसी क्रम में जो है आपको सन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया आपको यहाँ पे, ठीक है, तो आपको बस इस पर ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा सन हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर इन विच ईयर इन विच ईयर ट्रेड यूनियन एक्ट ट्रेड यूनियन एक्ट पास फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, तो इसका करेक्ट आंसर आप चुन करिएगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1930, 1930 और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है आपका इसमें 1932, ठीक है,
करेक्ट आंसर सुनिए। इसमें पूछा जा रहा है कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट है फर्स्ट टाइम कब पास हुआ था, ठीक है। ट्रेड यूनियन एक्ट जो है इस साल, ठीक है, किस ईयर में आपका फर्स्ट टाइम पास हुआ था। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1922, ऑप्शन नंबर बी दिया 1926, ऑप्शन नंबर सी दिया 1930, ऑप्शन नंबर डी दिया 1932। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1926 हो जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम आपका ट्रेड यूनियन एक्ट पास हुआ था वो आपका था 1926 के, ठीक है। ये ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका चैप्टर कवर हो रहा है इसमें सेंसर रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस सन में कौन सा, क्योंकि एक्ट से रिलेटेड आपका सन ही पूछ सकता है, सब किस सन में पास हुआ था, ठीक है। इस बिहा पे आपको थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। ओके चलिए, क्वेश्चन है आपका इन विच ईयर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट पास फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन जो होगा आपका नेक्स्ट, इन विच ईयर विच ईयर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट पास फर्स्ट टाइम, पास फर्स्ट टाइम इसके बाद क्या, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट को फर्स्ट टाइम कब पास किया गया था। आपने दिया हुआ आपका 1960, 1960, 1970, ठीक है, हो गया 1980, 1980, डी जो आपका है 1990। चलिए बताइए भाई, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट नाम सुन लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक बार फिर से इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट की बात हो रही है। ये पूछा जा रहा है किस साल में इसको फर्स्ट टाइम पास किया गया था। चलिए बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, आपका हो जाएगा 1970, क्या हो जाएगा 1970, हो जाएगा 1970, हो जाएगा 1970। जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट की बात करेगा तो वहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा 1970, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, ये आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी आपका क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में विच इज द फेमस कॉमेडियन, विच इज विच इज द फेमस विच इज द फेमस
दिस इज द फेमस ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया, ट्रेड यूनियन इंडिया, ठीक है क्लियर। इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है INTUC, INTUC, ऑप्शन बी दिया हुआ आपका UTUC, UTUC, AITUC, AITUC और आपका सबसे ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था उस समय जब आपको ट्रेड यूनियन पढ़ा रहा था, ठीक है, तो उसमें आपको याद आ रहा होगा कि ट्रेड यूनियन के हमने कई टाइप बताए थे, इनमें से सारे के सारे टाइप्स में इन्वॉल्व हैं INTUC, UTUC, AITUC, सब यानी कि हम जो आंसर होगा आपका ये स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया, तो यानी कि सब के सब क्या है ट्रेड यूनियन का ही नाम है, ठीक है। INTUC, UTUC, AITUC, ये सब के सब वाले, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्लियर है क्लियर। चलिए एक और सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, वर्क्समैन कंपेंसेशन एक्ट, ठीक है। ठीक है वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट, इसको आपको बताना है किस साल फर्स्ट टाइम इसको पास किया गया था, ठीक है। वर्क मैन वर्क मैन मैन कंपेंसेशन एक्ट, कंपेंसेशन एक्ट एक्ट पास्ट फर्स्ट टाइम फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1922, ऑप्शन दिया हुआ 1923, चौबीस छब्बीस, याद रखिएगा जब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट टाइम, तो टाइप का आंसर क्या होगा बताइए बताइए भाई, 1922 होगा, 1923 होगा, 1924 होगा, 1926 होगा, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका 1923 होगा, क्या हो जाएगा 1923, इसको याद रखिएगा जब भी पूछे होगा तो मैं कंपनसेशन है उस केस में आपका 1923 होगा, ठीक है ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, इसमें हम कुछ आप टाइप क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे आपका डेट नहीं होगा, वहाँ आपका होगा कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस से रिलेटेड, ठीक है, या फिर क्वालिटी एंड सिलेक्शन कंट्रोल से होगा, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल से होगा, तो कहीं ना कहीं हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कवर कर लेंगे, ठीक है क्लियर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम लोग मिलते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू सो मच।